गाड़ी पर अटैक हुआ, ईंट और पत्थर बरसाए गए। कांच टूटे तो गाड़ी के अंदर बैठे विवादित हिंदू नेता हरीश सिंगला को जान बचाकर भागना पड़ा। पटियाला में कल की हिंसा के बाद ये शाम की तस्वीर है, जब हिंसा के आरोपी शिवसेना बाल ठाकरे नाम के संगठन के नेता हरीश सिंगला काली माता मंदिर में हिंदू संगठनों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन पटियाला हिंसा से भड़के लोगों ने माहौल खराब करने का आरोप लगाकर उन्हें उल्टे पांव लौटा दिया। बाद में पुलिस ने बिना इजाजत जुलूस निकालने के मामले में हरीश सिंगला को हिरासत में ले लिया। कल दो समूहों में हुई हिंसा के बाद पटियाला में तनाव, शहर के करीब 11 घंटे कर्फ्यू में गुजरे। इस हिंसा के मामले में पटियाला के एसएसपी और आईजी पर गाज गिर सकती है। मान सरकार पुलिस अफसरों के लेट एक्शन को लेकर नाराज है। पटियाला में कल सारा फसाद खालिस्तान समर्थक ब्लैकलिस्टेड संस्था सिख फॉर जस्टिस की एक अपील के चलते हुआ। विदेश में बैठकर संस्था चलाने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 29 अप्रैल 1986 को खालिस्तान की मांग को लेकर अमृतसर में झंडा फहराने की याद में पटियाला में झंडा फहराने का कार्यक्रम रखा था, जिसका शिवसेना बाल ठाकरे नाम की हिंदू संस्था ने विरोध किया। दोनों ही संगठनों ने बिना इजाजत जुलूस निकाला, जिसे पुलिस ने रोका और भारी बवाल हो गया। इस बीच पटियाला की हिंसक घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने आज पंजाब बंद बुलाया। इसको देखते हुए कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।